अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो रमजान स्पेशल में हमारे किचन में आज बन रहा है स्टफ पिज्जा बाइट, जिसे हम बनाएंगे विदाउट ओवन। बहुत ही मजे का, बहुत ही डिफरेंट किस्म का और झटपट बनने वाला। तो उसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून बटर, 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक और हस्बे जरूरत नीम गर्म दूध डो को गूंदने के लिए। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो आप पानी भी ले सकते हैं। तो अब इसे हम गूंद लेंगे। तो मैदे में हम डालेंगे मिल्क पाउडर, ईस्ट डाल देंगे, चीनी, नमक, मिक्स करेंगे अब इन्हें और सेंटर में जगह बना लेंगे दूध डालने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसे गूंद लेंगे। और अब इसे हम गूंद लेंगे, 5 मिनट तक हम इसे गूंदेंगे, उसके बाद इसमें बटर डालेंगे। तो 5 मिनट तक हमने अच्छे से गूंद लिया, अब इसमें बटर डालेंगे और अच्छे से गूंद लेंगे। बटर हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए और फ्रीजर से आप इसे निकाल लें और इसे सॉफ्ट कर लें। तो डो हमने अच्छे से गूंद लिया, अब इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। और अगर प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं और किसी बॉक्स में रख दें उसे कवर करके, तो फिर भी चल जाएगा काम। और अब इसे हम रख देंगे 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रूम टेम्परेचर पे। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बोनलेस चिकन लिए हमने बिल्कुल छोटा कटा हुआ 1 कप, 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज लिए बिल्कुल हमने इसे छोटा छोटा काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया बीच निकाल के छिलके के समेत छोटा छोटा काट लिया, 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, ऑलिव्स लेंगे कटे हुए 1 टेबल स्पून और लहसुन के जवे लेंगे 2 अदद जिसे मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है, और मोज़रेला चटर चीज़ देंगे 1/2 कप ग्रेट किया हुआ, केचप लेंगे हम 1/4 कप, ऑयल लेंगे हम 2 टेबल स्पून, ऑरिगानो लेंगे स्प्रिंकल करने के लिए हस्बे ज़रूरत। तो ये चीज़ें चाहिए हमें स्टफिंग तैयार करने के लिए। पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, अब इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन को हल्का सा हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए लहसुन करकरा होना शुरू हो गया, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम नमक डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर मिक्स करेंगे और चिकन को कुक होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए चिकन का पानी भी खुश्क हो गया और चिकन हमारा कुक भी हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इन सब्जियों को हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इसे पकाना है। और अब इसमें हम डालेंगे केचप, मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे ऑलिव्स, कुटी हुई लाल मिर्च, मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें हम मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल देंगे ग्रेट किया हुआ, ऑरिगैनो भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और पिज़्ज़ा डो भी हमारी राइस हो चुकी है। एक पतीला ले लिया, नमक भी छाले और जाली स्टैंड रख लिया, अब इसे कवर कर देंगे और प्री हीट होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब हम पिज़्ज़ा बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। तो डो हमारी राइस हो चुकी है, अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना के इसमें स्टफिंग करते जाएंगे। तो ये लिया मैंने छोटा सा बॉल, तो सारे हम छोटे छोटे बॉल बना के रख लेंगे पहले। तो ये देखिए सारे बॉल बना दिए, अब एक पकड़ूंगी मैं और इसमें स्टफिंग करूंगी, बाकी को साइड पे करते हैं। और ये मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया है, इसे मैं ऑयल से ग्रीस भी कर लूंगी। एक को पकड़ा,
अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। और बंद कर देंगे। इस तरह बंद करके रखते जाएंगे। और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो ये सारे रेडी हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और ओरिगेनो। तो ये रेडी है। अब इसे हम बेक कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। पतीले को मैंने अच्छे से प्रीहीट कर लिया। पतीला अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब इसे हम बेक कर लेंगे। पतीला हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब इसे रख देंगे और कवर कर देंगे। बीस मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए ये बेक हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो रेडी है हमारे बहुत ही मज़े के स्टफ पिज़्ज़ा बाइट्स। तो दिल कर अभी खा जाएं। तो ये देखिए कितने मज़े के बने हैं। और ये हम खाएंगे केचप के साथ। बहुत ही मज़ेदार। तो अगर आपको ये स्टफ़ पिज़्ज़ा बाइट्स की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और इस बटन पे क्लिक करके आप किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बटन पे क्लिक करके आप लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।